सबसे पहले आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं, धूप खिल चुकी है और ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अभी हम चलते हैं ठंडा पानी लेने के लिए। और आपको दिखाता हूँ कि मैं ठंडा पानी कहाँ से लेके आता हूँ। मैं इस टाइम गाँव में हूँ, तो वहाँ से काफ़ी साफ़ जो कहते हैं पानी, पीने का पानी मिलता है, नेचुरल रिसोर्स है एकदम ही। तो चलो चलते हैं पानी लेने के लिए। ये मैंने गागरी उठा ली है, इसमें भर के लाऊंगा मैं ठंडा पानी। और चलो चलते हैं, ये रास्ता गया नीचे और ये मेरा घर है, वहाँ नू है, मेरी दादी है। और आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये रास्ता ऊपर को गया एक, और चलो हम चलते हैं नीचे को ठंडा पानी लाने के लिए। ये मेरा गांव है, बिल्कुल चिपके चिपके घर हैं यहाँ पे सारे। अभी लोग अपने काम में भी लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काम का महीना आ चुका है। तो चलो जी चलते हैं। ये मेरे गांव की सकरी गलिया, ये हम नीचे पहुंच चुके हैं। रास्ता थोड़ा खराब है यहाँ पे, और ये स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, और लास्ट में हम इनके स्कूल में जाएंगे आज। ये देखिए सब बच्चे हैं, हाय बोल दो, हाय हाय बोलने वाली नहीं है। चलो जी चले, वहाँ पे है स्कूल। और ये नीचे रोड आ रखी है हमारे गांव के, गांव से काफ़ी नीचे है रोड, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी हम चल रहे ठंडा पानी लेने के लिए, थोड़ा पैदल जाना पड़ता है, लगभग आधा किलोमीटर। एक ठंडे पानी का स्रोत यहाँ पे एक दूसरी साइड को है, जहाँ पे मेरा घर था एक उससे उस साइड को है। तो चलते हैं, ये रास्ता जाता है नीचे रोड की तरफ। अगर हमें मार्केट जाना होता तो यहाँ से जाते हैं। और अभी चल रहे हैं हम स्कूल की तरफ। ये काफ़ी पुराना पीपल है, पीपल का पेड़ है, ये सदियों पुराना है, पता नहीं कितने साल हो गए इसके। अभी हम चल पड़े, यहाँ लोग खेतों में काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम और आगे चलेंगे, ये आप इसको तो जानते हो, वो बिच्छू घास है। ये लगती है तो बड़ा दर्द करता है, करंट जैसा लगता है इससे, ठीक है। ये आगे सामने केले का पेड़ है, आप देख सकते हो। और अभी धूप बिल्कुल सामने से खिल रही है, तो इतना इतने अच्छे से देख नहीं रहा है, बट चलो फिर भी चलते हैं आगे। इधर सारे पेड़ पूड़ है, ऊपर भी पेड़ है, नीचे भी पेड़ है, नीचे खेती है, ये गेहूं की खेती, और ये आपका केले का पेड़। चलो आगे चलते हैं, अभी नौला आने वाला है। अभी हम पहुंच चुके हैं नौला का बिल्कुल नज़दीक, यहाँ से आगे एक छोटा एक नौला नीचे को है, यहाँ भी एक नौला है, ये रास्ता जाता है उधर के लिए। हम चलेंगे ऊपर की साइड जहाँ से पानी लेके आना है, और यहाँ पे कुआं है नीचे, तो वहाँ पे हम नहा नहू लेते हैं, कपड़े कुपड़े धो लेते हैं। बट पीने के लिए पानी वो है तो साफ़ है, बट वहाँ नहा के पानी थोड़ा गंदा सा हो जाता है, इसलिए वहाँ का पानी पीते हैं नहीं। तो पीने के लिए हम ऊपर जाएंगे, अभी आपको दिखाता हूँ, तब तक आप इन सुंदर वादियों के मज़े लो। गेहूं की फसल हो रही है, इतने सारे पेड़ है, ये हम पहुँच चुके हैं नौला। ये है आयुष, एंड यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, बच्चे पानी पी रहे हैं, यहीं से हम पानी ले जाएंगे अपने घर को। ये देखो ऐसे पानी पीते हैं, इसके पीने का मज़ा ही कुछ और है।
ये है भाई नेचुरल रिसोर्स। और ये ऊपर से आता है पानी, पता नहीं कहाँ से आता है, बिल्कुल साफ एकदम। यहीं से हम पानी ले जाएंगे अपने घर को भी। ये एक रास्ता जाता है नीचे के लिए, और यहाँ से बैल बूल जंगल के लिए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, वो आगे जा रहे हैं। और ये है स्कूल के बच्चों का रास्ता। चलो आज हम भी स्कूल तक घूम के आते हैं। ये मेरा प्राइमरी स्कूल था जब मैंने भी यहाँ बहुत पहले पढ़ा था। तो चलते हैं बच्चों के साथ स्कूल तक, थोड़ा रास्ता। वैसे बच्चे, गांव के बच्चे बड़े तेज होते हैं चलने में। इस साइड भी बिच्छू घास है, ये साफ भी नहीं करते हैं। इतनी बिच्छू घास हो चुकी है, इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, किसी बच्चे को लग गया तो बस बच्चा रोने में रहेगा फिर। लेकिन यहाँ के बच्चे फॉरवर्ड होते हैं भाई, वो चलने के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको इतना फर्क पड़ता नहीं है। आप देख सकते हो ये एरिया, और यहाँ से देखो सामने मेरा गांव है। वहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, चलो जी चलते हैं स्कूल को। हमारी यात्रा स्कूल तक की आज। ये जो ब्लॉग है मेरा प्राइमरी स्कूल तक का है। चलो चलते हैं। वैसे गर्मियों के टाइम में तो यहाँ डर भी लगता है भाई, यहाँ सांप सूप भी आता है। आप देख सकते हो इतना ख़तरनाक रास्ता है, इधर भी झाड़ी। ये करना चाहिए गांव के प्रधान बुद्धों को, कोई कुछ नहीं करता काम। ये देखो यहाँ पे तो इतना छोटा रास्ता है, इधर बिच्छू घास है, बच के जाना पड़ेगा भाई, कहीं लग ना जाए। चलो चलते हैं आगे। पर मज़ा ही कुछ और है यार, ऐसे चलने का ना मज़ा ही कुछ और है। इधर भी पेड़, बीच से आप जा रहे हो, इधर देखो हरियाली, उधर देखो हरियाली। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऊपर पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। और इसके उस साइड दूसरा गांव है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अभी स्कूल बस आने वाली है, शायद बच्चों का शोर हो रहा है, वहाँ पे टीचर्स आए नहीं है तो बच्चे खेल रहे हैं। चलो जी चलते हैं आगे। हम बस स्कूल पहुँचने वाले हैं। बाप रे, रास्ता ख़तरनाक ही है थोड़ा। अभी दिखाता हूँ आपको, वो नीचे नदी है। और ये देखो भाई, ये मेरा गांव, एकदम सुंदर प्यारा, प्रकृति के इस गोद में बसा हुआ। आप देख सकते हो कितना अच्छा है। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन। ठीक है, ये रहा मेरा गांव। और वहाँ पे था नौला, ये रोड आई हुई, ये रोड आगे चलेगी। अभी हम चलो आगे चलते हैं। अब बिल्कुल हम स्कूल की, बस स्कूल पहुँचने वाले हैं। स्कूल का गेट नज़दीक में, वहाँ पहुँचने वाले हैं। आज से बहुत साल पहले हम भी यहाँ स्कूल पढ़ा करते थे, बहुत पहले की बात है। तब यहाँ पे एक ही स्कूल था प्राइमरी, बट यहाँ पे अब दो स्कूल है, एक प्राइमरी और दूसरा जूनियर हाई स्कूल। चलिए जी, हम यहाँ पहुँच गए स्कूल के गेट पे। बस यही दिखाना है इसको आज आपको। ये है भाई स्कूल का, स्कूल की बिल्डिंग। और ये जूनियर हाई स्कूल हरड़ा, विकास क्षेत्र भैंसिया सन अल्मोड़ा। चलो जी चलिए यहाँ से नीचे। ये है राजकीय जूनियर हाई स्कूल हरड़ा, भैंसिया सन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में आता है हमारा, अल्मोड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो चलिए जी आगे। ये स्कूल में बाथरूम है, ऊपर टैंकी है, ये स्कूल का किचन है। आजकल तो बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगाए हुए हैं। ये भाई बच्चे हैं स्कूल के, ये सारे पढ़ते हैं 7th 8th में। ठीक है, और ये इनका स्कूल, ये है 8वीं तक, 6 7 8। अब चलते हैं हम नीचे प्राइमरी विद्यालय में। अब तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी होगी, टीचर यहाँ पे बहुत अच्छे आ रखे हैं, इन्होंने पानी की फैसिलिटी भी कर रखी है। देख लो ऊपर टैंकी थी, नीचे नल लगाए हुए हैं।
और ये आपके डस्टबिन, ठीक है। ये आगे भाई राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरड़ा, चलो इसके अंदर चलते हैं। बच्चे कर रहे मस्ती, देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा स्कूल बना रखा है सजा के। ये देखो भाई जिंदगी के मजे होंगे, अभी टीचर आए नहीं है, ये खूब मजे ले रहे बच्चे। यहाँ पे किचन है, दिन में इनके लिए लंच बनता है यहाँ पे। ये भाई स्कूल के चारों ओर बाउंड्री है और ये नीचे का नजारा है, नीचे नदी है, देख लो आप, बहुत अच्छा नजारा है सुबह सुबह का। और वो रहा मेरा गांव, वहां से बच्चे आते हैं इधर, इतना पैदल चलना पड़ता है बच्चों को। ये रास्ता है सारा जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और ये यहाँ के स्कूल्स के पेड़ वगैरह हो गए। ये नीचे हो गया जूनियर हाई स्कूल, बच्चे खेल रहे हैं अभी, टीचर्स आए नहीं है। और एक ऊपर है स्कूल, वो बड़ा स्कूल, वो 6, 7, 8 तीन क्लास वहाँ पे होती है, और ये फर्स्ट से लेके 5 तक। चलो जी अब हम चलते हैं दोबारा पानी भरने के लिए नौला। आप थोड़ा नेचुरल व्यू का मजा लीजिए। ये देखो भाई शैतान तो होते हैं बच्चे, ऊपर चढ़े पड़े हैं, अभी टीचर आए नहीं, इनके मजे हैं। हम थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं दोबारा से वहीं पे जहाँ पे पानी आने वाला, पानी उधर है अभी, ये थोड़ा सा और बच गया। ये है भाई मेरा गांव, नेचुरल व्यू गांव का आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर और प्यारा गांव है। इस साइड भी खेत है, ऊपर भी खेत है, उस साइड भी खेत है, नीचे भी खेत हैं, चारों ओर खेती खेत हैं। और मंदिर भी, एक मंदिर वहाँ है, एक मंदिर वहाँ पे है, एक मंदिर ऊपर है और एक मंदिर इस साइड है, चारों ओर मंदिर भी है, कभी आपको मंदिर भी घुमाएंगे। चलो चलते हैं पानी के पास। ये जानते हो ना किलमड़, किलमड़ है, किलमुड़ी, किलमड़ बोलते हैं हमारे वहाँ। तो इसमें भी फल आ रहा है देखो, ये अभी ये बड़ा होगा, ब्लैकबेरी टाइप की आप बोल सकते हो उसको, वही बोलते शायद। और ये मेवे है, मेवे, मेवे का फूल, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको भी जब पकता है तो उसको भी खाते हैं। और ये देखो किलमड़, किलमड़ दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये है भाई किलमड़, ये आ चुका है फल अभी, ठीक है। चलिए जी चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं अपने पानी के पास, ठंडा पानी ले चलते हैं घर के लिए दिन भर, क्योंकि जो दूसरा पानी आता है ना वो गंदा होता है, उस मतलब वो कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए वैसे यूज कर सकते हैं, पीने के लिए नहीं। चलो जी हमारी वापसी चल रही है, कुछ बच्चे यहीं पहुंचे रास्ते में, ये बच्चे चले हुए हैं पानी भर के, पानी वहीं से ले जा रहे हैं, ठंडा पानी एकदम। चले गए स्कूल, अब जस्ट हम पहुंचने वाले हैं, फिर बच्चे मिल गए हमें, देखते हैं इनकी भी क्लिप लेते हैं। और कालू, हाय गाइस, हाय गाइस, हम स्कूल पढ़ते हैं, वो देखो ओएस खाने जा रहे हैं। हाँ वो देखो स्कूल में देखो आ रहे हैं, ठीक है। हम पहुंच चुके हैं अपने जहाँ से हमने पानी भरना है, अभी दो लड़के यहाँ पे और हैं,
ये पानी भर रहे हैं। हाय। ठीक है, अब मैं भी यहाँ पे पानी भरूंगा, मेरी गागरी है। चलो जी, तो थोड़ा साफ कर लेते हैं। साफ करके मैंने लगा दिया, अब इसको भरते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। ठीक है, ये पानी आ रहा है, इतना अच्छा पानी है, बिल्कुल साफ, टेस्टी, ठंडा, बिल्कुल बहुत अच्छा पानी है। यही पहाड़ की शान है भाई, पानी यहाँ बिल्कुल ही नेचुरली नेचुरल मिलता है, ना फिल्टर करने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत। और ये यहाँ से आ रहा है अंदर, धरती से पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हम घर पहुँच चुके हैं, पानी मैंने अंदर रख दिया है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।